श्रीधरन ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुख्य सलाहकार पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं उनके साथ कुछ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी LMRC के साथ अपना संबंध खत्म करने का फैसला किया। इस खबर के बारे में आगे बताने से पहले हम आपको बता दें कि ई श्रीधरन कौन है। ई श्रीधरन भारत के एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं, साथ ही वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। श्रीधरन ने कम समय में दिल्ली मेट्रो के निर्माण का कार्य किसी सपने की तरह बेहद कुशलता और श्रेष्ठता के साथ पूरा कर दिखाया, जिस वजह से उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि श्रीधरन को फरवरी 2024 तक के लिए लखनऊ मेट्रो का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ई श्रीधरन ने इस पद के लिए अपना इस्तीफा दे दिया है, जहां इस बात की जानकारी LMRC के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने दी है और बताया कि ई श्रीधरन ने हमारे साथ अपना संबंध समाप्त करने का फैसला कर लिया है और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के पास इस्तीफे को भेज दिया है। कहा जा रहा है कि 87 वर्षीय श्रीधरन ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि LMRC के प्रधान सलाहकार के तौर पर श्रीधरन पिछले कुछ महीने से लखनऊ नहीं आए थे। दूसरे चरण के मेट्रो संचालन के दौरान भी स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे। लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वह बराबर प्रबंध निदेशक कुमार केशव के संपर्क में थे और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर काम की जानकारी फोन पर ले रहे थे। श्रीधरन लखनऊ के अलावा आगरा, कानपुर और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसी का नतीजा है कि लखनऊ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अलावा प्रदेश के 3 जिलों में मेट्रो का DPR बन चुका है। वहीं प्रबंध निदेशक ने श्रीधरन से इस्तीफा न देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका स्वास्थ्य इस समय काम करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब श्रीधरन अपना ये काम आगे नहीं करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एम्पायर।